हाँ जी, उसके लिए हमने लेना है पराज। उसमें डालेंगे 1 कप मैदा, पालक की प्यूरी। पालक को बॉईल कर लेंगे, उसको हम कर लेंगे ग्राइंड। इसकी प्यूरी तैयार कर लेंगे। उसमें डालेंगे 2 चम्मच घी, नमक, अजवाइन और गुनगुने पानी से आटा गूंद लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर हम लेंगे 1 कप मैदा, बीटरूट की प्यूरी। बीटरूट को बॉईल करके उसकी प्यूरी तैयार कर लेंगे। उसमें डालेंगे 2 चम्मच घी, नमक, अजवाइन और सेम गुनगुने पानी से आटा गूंद लेना। इन दोनों आटों को कर देंगे हम रेस्ट। अब ली है मैंने माँ की दाल, उसको हमने भिगो दिया था 3 घंटे के लिए। अब इसको हम करेंगे ग्राइंड। इसमें डालेंगे 2 चम्मच जीरा, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर। हल्दी से बहुत ही अच्छा कलर आएगा। ऊपर से डालेंगे कद्दूकस की हुई अदरक, इससे बहुत ही अच्छी टेस्ट आता है हमारे भल्लों में। अब इसको कर लेंगे हम फ्राई, छोटी छोटी फ्राई करेंगे गोलियां इसकी। अब इसको पानी में भिंगो देंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। हाँ जी, अब लेनी है 1 कटोरी, उसको हम अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे हमारे पालक वाले डो को। और 1 कटोरी का फॉर्म ले ले, जैसे कि आप देख सकते हैं, उसमें डाल दूंगी और इसको हम मोन कर लेंगे ताकि ये फूले ना। और इसको हम फ्राई कर देंगे। ये ऑप्शनल है, आप फ्राई भी कर सकते हैं और बेक भी कर सकते हैं, ये आप पे। बीटरूट का आटा लेके अपनी बेकिंग ट्रे पे अच्छी तरह से स्प्रेड कर दूंगी ताकि ये कटोरी का शेप ले ले, जैसे कि आप देख सकते हो। अच्छी तरह से दबा देने, ट्रे रेडी है। अब इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे। अब मेरी सारी कटोरियाँ रेडी है, कुछ बेक्ड और कुछ फ्राइड। हम मसाला बनाते हैं। उसके लिए लिए हैं मैंने ब्लैक चना बॉयल किए हुए, वाइट चने बॉयल्ड, और भल्लों को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिए, कुछ रोस्टेड पोटैटोस। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अभी हमें कटोरियों में भर लूँगी, सारा मसाला हम कटोरियों में भर देंगे। में डालेंगे हम मीठी दही, थोड़ी सी इमली चटनी और हरी चटनी। इमली चटनी और हरी चटनी के बगैर कोई चाट तो पूरी हो ही नहीं सकती हमारी। ऊपर से गार्निश करेंगे थोड़े से अनार के दाने के साथ। और ये चाट बिल्कुल अब रेडी है। एंजॉय। थैंक यू। Please like, share and subscribe my channel, Tempting Tadka.